मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो चुकी है संडे की सुबह, ऑलमोस्ट 6 बजे से ऊपर टाइम हो गया है। हम लोग टाइगर को घुमा रहे हैं। अभी तो मैं सीधा उठ के ही आई हूँ, मुँह भी नहीं धोया क्योंकि कोल्ड की मेडिसिन की वजह से बहुत नींद आती है। और ये देखो मेरे गले पे भी थोड़ी एलर्जी हो गई है। ये पीछे रह गए हैं, देखो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, और मेरी तरह से एटलीस्ट किसी को इतना सारा जुकाम नहीं है। खांसी, जुकाम, रात को भी नींद नहीं आती, फिर उठ जाते हैं, थोड़ा ठीक होता है, फिर से हो जाता है। तो चलो मिलते हूँ आपको दिन में। बस अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, अब घर जाएंगे और फिर आपको बताती हूँ अपना डाइट रूटीन। 2 दिन डाइट मिस हुई है क्योंकि मैं बाहर गई थी, खाया तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर जो डाइट खानी होती है ना वो मिस हुई है। लग गया है? अच्छा, चलो चलते हैं आप। सो ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। आज मैंने लिया है जीरा वाटर। तो जैसे कि बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जो ब्लोटिंग वगैरह के इश्यूज़ है वो नहीं आने देता। गट हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए ये एक रामबाण इलाज है, और साथ में पतला तो ये करता ही है। तो आज मेरा सुबह का ड्रिंक था ये जीरा वाटर। सो गाइज, हम लोग गए थे डी मार्ट और हमने देखो वहाँ से की है शॉपिंग। अभी घर की सफाई नहीं हुई क्योंकि संडे को मेड लेट आती है, तो हमने सोचा कि हम लोग जाए आए और हम आपको दिखाते हैं हमारा शॉपिंग हॉल क्या हमने खरीदा। ये हैंड टॉवल है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी है, उस हिसाब से इसकी प्राइस भी आपको बता देती हूँ। देखो ये 45 रुपीज़ इसकी MRP है, ये 39 रुपीज़ का हमें मिल गया। और ये दो होंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ क्योंकि सामान जो है ना ऐसे ही डाल दिया उन्होंने, इधर वो सब डबल डबल ही है। और ये ना प्लास्टिक का मैंने लिया, जैसे थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह डाल के रखने के लिए, मेरे को बहुत रीज़नेबल लगा। ये भी 39 रुपीज़ का है और ये हैं दो। तो ये हो गए हमारे दो 39 रुपीज़ के प्लास्टिक के। और ये एक मैंने ग्रेटर लिया है क्योंकि मेरा ग्रेटर पुराना हो गया था बहुत ज़्यादा, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आप देख सकते हो 119 रुपीज़ है। इसमें देखने को तो ये अच्छा लग रहा है क्वालिटी वाइज, बाकी यूज़ करके आपको मैं इसका बता दूँगी जैसा भी है। और ये तो है हमारी ब्रेड, इसको तो साइड पे रख देते हैं। और ये ना सिमरन अपने लिए बॉटल लेके आया, ये बॉटल है, मैं आपको बताती हूँ इसका प्राइस। इस पे आई गेस इसका प्राइस यहाँ है, हाँ 200 रुपीज़ की ये वाटर बॉटल है। और एक ये चाय बनाने वाला लेके आई हूँ मैं, ये 229 का है, बहुत सॉलिड है, ये काफ़ी सॉलिड है। तो ये बेसिकली व्लॉग होने वाला है मेरी बहनों के लिए। अगर आपको कुछ लेना है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या प्राइस, मतलब किस चीज़ जो है, कौन सी चीज़ हमें किस प्राइस में मिल रही है। और ये देखो ये चम्मच रखने वाला है और इसका प्राइस है 69 रुपीज़। MRP 89 है या 69 में मिल रहा है। और उसके बाद ये देखो इसमें ना ये सेट है, एक कड़छी वगैरह का सेट है, ये मेरे को बहुत टाइम से चाहिए था छोटे साइज में। तो ये
150 की MRP है, ये हमें 99 रुपीस में मिल रहा है। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास क्या कुछ है, ठीक है ना, चार चीज़ें हैं। और उसके बाद ये हमें बहुत अच्छे लगे, ये मुझे और सिमरन दोनों को बहुत अच्छे लगे। या ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपने डालना है, इसकी 139 रुपीस प्राइस है। ये दो हैं, है इसको ना, अभी एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है तो ये यहाँ से मतलब इधर से बंद है, ऐसे करके ऐसे खुल जाता है। तो ये हमारे हो गए दो। और उसके साथ एक मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि जब आपको ऑयल कम यूज़ करना है तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहती है आपके लिए। ये सिलिकॉन सीरीज है, इसकी प्राइस जो है 99 है। ये देख, यहाँ देख, ठीक है जी। अच्छा, और उसके साथ ये सारे ना नट्स हैं, ये मैं आपको सारे दिखा देती हूँ इधर से पकड़ के फोन। ये देखो, क्योंकि हम लोग हर संडे जाते हैं और अपना जो भी नट्स का है चाहिए होते हैं ये ले आते हैं। बाकी भी दे दो बेटा नट्स। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये इलायची है, इसका ना दिस इज़ अबाउट 100 ग्राम, 550 की है, लेकिन ये हमें 440 की लगी है, तो इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है इलायची पे। और उसके बाद आगे ये प्रीमिया के नट्स एंड सीड हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं अगर आपको ना, आप ओवरनाइट ओट्स वगैरह बनाते हो कुछ भी। ये 120 रुपीज़ ईच है, दो हो गए ये। और उसके बाद ये है हमारे पास स्मोक्ड आमंड्स, दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़। ये जैसे आपको शाम को भूख वगैरह लगे, वैसे तो ये घर पे भी बना सकते हैं, मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। ये मुनक्का है, ये मैं स्पेशली अपने लिए लाई हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी अगर मेरे को कोल्ड वगैरह होता था तो मेरी मदर मेरे को ये मुनक्का ना दिया करती थी, थोड़ा सा दूध में उबाल के हल्का सा, तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ एंड इट इज़ फॉर 180 रुपीज़। और उसके बाद ये है क्रैनबेरी, क्रैनबेरी चटपटा, ये वैसे आपको मंचिंग करने के लिए भी, और वैसे भी क्रैनबेरी इज़ वेरी गुड। और इसका मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो क्रैनबेरी है, अगर किसी को UTI वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो क्रैनबेरी उसके लिए बहुत अच्छी है। तो इसका प्राइस है 170 रुपीज़। और उसके बाद ये है ट्रेल मिक्स, ये अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हैं मतलब, और इसमें आप देख लो कैश्यूज, आमंड्स, सीडलेस, ब्लैक रेजिन्स, पिस्टैचियोज वगैरह सारा कुछ है। और दिस इज़ फॉर अबाउट 125 रुपीज़। और ज़्यादा तो ये सिमरन को भी यही पसंद है, नट्स एंड सीड मिक्स। और एक ये अंजीर सिमरन अपने लिए लेके आया है, इसने कहीं से पढ़ा है कि इसको भी होके खाना अच्छा होता है, वैसे तो अच्छा ही होता है अंजीर वगैरह का, और शेक में भी डाल सकते हो आप। तो ये 375 रुपीज़ का ये पैकेट है, और ये पैकिंग बड़ी है, ये पैकेट इट इज़ फॉर 250 ग्राम्स, ये 250 ग्राम की पैकिंग है। और उसके साथ साथ ये है हमारे पास पम्पकिन सीड, ये सारे सीड्स जो है ना, ये मैं एक कंटेनर में इसमें या इसमें किसी में डाल के रख दूँगी, तो फिर जब भी यूज़ करने हैं तो आप एक स्पून ले लो इनमें से। ये पम्पकिन सीड हो गए। उसके बाद ये वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड का आपको बता देती हूँ प्राइस इसका है, दिस इज़ फॉर 99 रुपीज़, ये देखो। और वाटरमेलन सीड्स का यहाँ पे प्राइस, ये भी वाटरमेलन है, अच्छा दोनों वाटरमेलन ही है, ये 69 रुपीज़ के हैं वाटरमेलन सीड्स। ये एक्चुअली डबल आ गए हैं, ये भी वाटरमेलन सीड्स हैं, नहीं ये सनफ्लावर है, सॉरी ये सनफ्लावर सीड्स हैं, ये वाटरमेलन सीड्स हैं, ये वाटरमेलन सीड्स, दिस इज़ फॉर 150 रुपीज़। ओके, तो उसके बाद ये मैं स्पून्स लेके आई हूँ, मेरे पास स्पून्स बहुत पुराने ही थे, कभी नए लिए ही नहीं थे स्पून्स
ये है 100 रुपीस के स्पून्स हैं ये, इनका सिंपल सा डिज़ाइन है, तो ये डल जाएंगे इसमें। अच्छा, उसके बाद तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये है सेरेलैक वीट एंड एप्पल वाला, 275 का है, पता नहीं इतने कितने का लगाया, ये हम लोग टाइगर के लिए ला के रखते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये आप आई होप आप सबने यूज़ तो किए होंगे, ये बहुत अच्छे हैं क्लीनिंग के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं हमेशा यही लाती हूँ, चाहे किचन के शेल्फ वगैरह क्लीन करनी हो, वैसे डस्टिंग वगैरह करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और इट इज़ फॉर 106 रुपीज़। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितने का लगाया ये मेरे को नहीं पता। ये देना बेटा स्ट्रेनर, ये है स्ट्रेनर, और ये इसकी प्राइस शायद कहीं हो, हाँ इसकी MRP है 839 रुपीज़, और ये हमें मिला है 479 में, क्योंकि इसमें ना फ्रूट्स सॉरी वेजिटेबल्स वगैरह आप जब कटिंग वगैरह कर लो, या फिर जैसे आप साग बनाते हो या पालक होता है, ऐसी चीज़ें धोनी मुश्किल हो जाती हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छी रहती हैं, वैसे भी आप इसमें कंटेन कर सकते हो, रख सकते हो सब्जियाँ वगैरह। तो ये हो गया, फिलहाल इसी में रख देती हूँ, क्योंकि ये अपनी अपनी जगह पे बाद में पहुँचा दिए जाएंगे। और उसके बाद हम लोग लाए हैं ये, मेरे को इधर से करना होगा, ये है बेडशीट, ये कॉटन की बेडशीट है, ये 400 महंगी भी थी वहाँ पे बहुत, लेकिन वो कॉटन की नहीं होती, वो ना टिकती नहीं है बेड पे, तो हमें यही सबसे बढ़िया रहती है। इसका आप डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, ये की ये है बेडशीट, इसके साथ पिलोस, पिलोस तो डेफिनेटली सभी के साथ होते हैं, और एक ये है, ये थोड़ी सी ब्राइट कलर में है, ये भी 400 की है, और इसके अलावा कुछ पिलो कवर्स भी लाए हैं। देना बेटा वो पिलो कवर्स, सेट बना के दे दे। ये 69 रुपीस फॉर पर कवर है, और ये इनकी ना क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। मतलब इनके साथ कोई बेडशीट नहीं है, ये सिंपल पिलो कवर्स हैं, कई बार आपको ऐसे भी चाहिए होते हैं ना सिंपल, आपके पास अकेले पिलोज होते हैं, जैसे हम लोग भी बेड पे दो दो चार चार पिलोज रखते हैं, तो उनके लिए हैं। एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन, आई गेस इनका प्राइस तो सेम ही है, ये डिज़ाइन आप देख लो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, और इसका भी प्राइस आपको यहाँ दिखा देती हूँ, सारे सेम है, समझ लो 70 रुपीज़ का आपको एक जो है पिलो कवर पड़ता है। और उसके अलावा ये है सिमरन की फेवरेट लॉटे चोको पाई, ये नया फ्लेवर है चोको बर्स्ट, और इसकी प्राइस है, दिस इज़ फॉर 190 रुपीज़। और ये है कूम, दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़, ये भी सिमरन की है, वो दे दे पहले हैंड ओवर। ये मैं बता रही थी कि दो हैंड टॉवल थे, तो ये हो गए हमारे दोनों हैंड टॉवल्स, इसकी प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ 40-40 रुपीज़ के हैं ये, और एक हमने टॉवल लेके आए हैं कि हमारे पास ऐसा टॉवल है, कई बार कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो उनके लिए, ट्राइडेंट का टॉवल है, दिस इज़ फॉर 400 रुपीज़ इसकी सेलिंग प्राइस है। इसकी बहुत अच्छी होती है, इसके साथ के हम लोग पहले भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, ये भी दे दे, कोई ना ऐसे दे दे राधे। ये है हमारे सिंपल जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं ना, छोटे छोटे टॉवल्स टाइप, ये है 15 रुपीज़ का, MRP इसकी 17 है, मतलब 14 रुपीज़ में ये मिले, ये मैं चार लेके आई हूँ, और बाकी तो एक बस हो गया ना, ये एक बिस्किट का पैकेट,
ये पार्ले जी बिस्किट हैं, ये भी मैं आपको बिल देना बेटा, तो ये 150 रुपीज़ का है। बाकी ये सिमरन के चॉकलेट्स हैं। चलो ये इसमें देख के आपको बता देती हूँ कि ये कुछ कम लगाया है या ज़्यादा, जैसे पार्ले जी है तो पार्ले जी जैसे यहाँ पे प्रिंट रेट 150 है, तो आप देख सकते हो पार्ले जी ये रहा गोल्ड 135, ऐसे सब में थोड़ा थोड़ा तो है रहता है। तो चलो ये है हमारा आज का जो भी हमने सामान खरीदा, ज़रूरत का ही सामान है सारा। तो चलो इसके बाद अब आपको बताएंगे कि हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए ये क्यूकम्बर मैंने धो के रख दिए हैं, थोड़े सूख जाएंगे फिर इनको फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में ना कुछ पड़े हैं फ्रूट्स वगैरह, उनका देखती हूँ क्या करना, अगर पुराने होंगे तो मैं बाहर रख दूँगी, वो डॉग जो है बाहर वो खा लेगा, अगर थोड़े पुराने होंगे ठीक रहेंगे तो, अगर ज़्यादा गल चुके होंगे फिर मैं उनको डस्टबिन में फेंक दूँगी, क्योंकि टाइगर फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको पसंद नहीं है। तो आज एक तो मेरा प्लान है कि मैं अच्छा सा सैलड बनाऊंगी, और इधर देखो ये भिंडी पड़ी है, ये भिंडी मंगवाई थी, इसको धो के सूखने के लिए रख दूंगी, फिर इसकी सब्जी बन जाएगी, और देखते हैं साथ के क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकम्बर और जो अनियन है उसको देखो अच्छे से जी लिया है, अब बस सैलड की ड्रेसिंग तैयार करूँगी, और ये भिंडी को तो मैंने रख दिया, ये अब सूखेगी। और ये है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग में मैंने थोड़ा सा डाला है कर्ड, योगर्ट नहीं डाला, अमूल का कर्ड डाला है, और उसके अंदर थोड़ा सा हनी, और एक हो गया हनी एंड मेरे को तो, सो दिस इज़ ड्रेसिंग फॉर अवर सैलड। इसमें मैंने डाला है कर्ड, योगर्ट नहीं यूज़ किया, उसमें समझो एक स्पून मैंने हनी डाल दिया, और आधा स्पून या एक स्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाला, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, बस दैट्स इट। लेमन वगैरह नहीं डालूंगी, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अब ये जो है जाएगा इस सैलड में, और उसके बाद हमारा सैलड इज़ रेडी। सो गाइस, दिस इज़ माय सैलड, ये रेडी हो चुका है, और बस अब इसको खाना ही है। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा सैलड, ठीक है, ये दो जन के लिए है, आप चाहो तो ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन हाँ कंज्यूम इसको जल्दी कर लेना, क्योंकि नमक है तो फिर वो जो है पानी छोड़ जाएगा, और ये आपका बस पानी पानी सा हो जाएगा, तो टेस्टी नहीं लगेगा, तो कंज्यूम कर लेना इसको जल्दी। लेकिन ये है हमारा सुपर डिलीशियस सैलड। तो और जो मैंने इसमें ड्रेसिंग डाली है उसको आई थिंक सनशाइन ड्रेसिंग बोलते हैं, आई गेस। तो चलिए ये हो गया सैलड, आप भी खाइए, वेट लॉस कीजिए, और बाकी भी मैं आपको बताती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ आज, ठीक है। सो सैलड खा के बहुत ज़्यादा फील्ड हो गए थे, उसके बाद शाम को ही हमने ली हमारी लो शुगर वाली ये कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन इसमें चॉकलेट डाला है क्योंकि सिमरन ने बनाई है, उसे ये बहुत पसंद है। तो ये वैसे भी सिमरन बहुत अच्छी बनाता है कोल्ड कॉफ़ी। तो मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।